हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी तक के आए रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। रुझानों की माने तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी राज्य में हैट्रिक लगाएगी, वहीं कांग्रेस को रुझानों में तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल्स की बात करें तो जितने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए वो लगभग सभी गलत साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक के रुझानों में भाजपा हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करें तो रुझानों के अनुसार जेजेपी हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत रही, उसके सभी प्रत्याशी बुरी तरीके से हार रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेजेपी का हरियाणा से पूरे तरीके से सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट उचानाकरा से छठे नंबर पर है। जेजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद की आसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने जहां 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं चंद्रशेखर आजाद की आसपा ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि 70 सीटों में से जेजेपी का कोई प्रत्याशी जीतता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में माना जा रहा है कि जेजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार तैयारियों के बीच जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के सामने बड़े वजूद को बचाने का संकट है। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी इस चुनाव से पहले काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ चुका था, क्योंकि उसके कई विधायक बागी हो चुके थे। जेजेपी का लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। जानकारी के लिए बता दें कि जेजेपी ने पहली बार 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत हासिल की। उस दौरान ये हरियाणा और जेजेपी के लिए बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला को बड़ी वजह माना गया था। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद जेजेपी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। ये सरकार 4.5 साल तक चली और इस साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। वहीं जेजेपी के प्रदर्शन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जेजेपी को किसानों का विरोध भारी पड़ा है। जेजेपी के नेताओं को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ी थी, तब उन्हें किसानों ने जबरदस्त विरोध का प्रदर्शन दिखाया था। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वो किसी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी। उसकी हालत इस कदर खराब रही कि वो 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। जेजेपी लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की 90 सीटों में से किसी एक सीट पर भी बढ़त नहीं बना सकी और उसके सभी प्रत्याशी हारते हुए नजर आए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।